ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। तो जन्माष्टमी का पावन अवसर आ रहा है और आज से अष्टमी लग जाएगी 6 बजे से, और इसके बाद जो है कुछ ऐसी शक्तियां धरा पर विचरण करेंगी जो कि आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकती हैं। तो जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में मैं आपको बताऊंगा कृष्ण मोहन मंत्र, और इसमें रिजल्ट की चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आपने पूरी विधि विधान से इस प्रयोग को कर लिया तो आपको जो असर है वो एक ही दिन में दिख जाएगा। जब कृष्ण ने धरा पर जन्म लिया था उस समय नाना प्रकार की शक्तियां धरा पर आई थी। देवलोक से देवगण आए थे भगवान का पूजन करने, और ये क्रम चलता रहता है। जब भी भगवान का जन्म होता है उस समय जो देवगण हैं वो भी धरा पर आते हैं। तो आज 6 बजे से या रात के 12 से 6 बजे के बीच में इस धरा पर कुछ ऐसी शक्तियां विचरण करेंगी जो कि अलौकिक होंगी। आपकी जो भी कामनाएं हैं, जो भी आपके विचार हैं, जो आप चाहते हैं कि वो पूरे हो जाएं, तो वो आप आज कर सकते हैं। आज की जो रात है 12 से 6 बजे के बीच में जो है कुछ गुप्त शक्ति आएंगी और कुछ देवगण आएंगे, उनको आप प्रसन्न कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा श्री कृष्ण का एक ऐसा मंत्र जो कि किसी को भी आपके अनुकूल कर देगा, चाहे वो आपके पति हो पत्नी हो। बस 21 मालाएं आज की रात आपको कर देनी है। किसी भी तरह से 21 मालाएं कर दीजिए और उसके बाद देखिए किस तरह से जो भी साध्य व्यक्ति है, जो भी स्त्री है या पुरुष है, वो आपके कदमों में आ गिरेगा। मंत्र है ओम क्लीम क्लीम कृष्णाय नमः। अमुक मनसा भावा दिल दिमाग मम करोति नमो नमः। मंत्र एक बार फिर से थोड़ा सा बड़ा है ये। ओम क्लीम क्लीम कृष्णाय नमः। अमुक मनसा भावा दिल दिमाग मम करोति नमो नमः। तो इसमें आपको जो रिजल्ट है वो गारंटीड मिलने वाला है, और जो एक दिन में इसको पूरा कर ले वो मुझे ज़रूर बताए कि उसने इस प्रयोग को किया है और उसको इस तरह के रिजल्ट मिले हैं। कृष्ण जन्माष्टमी पर अगर ये मंत्र आप लगाते हैं तो सिर्फ धरा पर ही नहीं, देवलोक से भी आपको इसका असर देखने को मिलेगा। वो देवलोक से भी जो लोग हैं, वो जो देवता हैं, वो भी आपको आशीर्वाद देंगे। आज की रात आप इसको कीजिए और इसके बाद देखिए किस तरह से देवता भी आपके इस मनोकामना को पूरा करने में लग जाएंगे। क्योंकि कुछ ऐसे क्षण होते हैं, कुछ ऐसे मुहूर्त होते हैं जब धरा पर देवगण आते हैं, और आज की रात आने वाले हैं। तो उनके शुभारंभ में आप ये जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ ये इसको जाप करना शुरू कीजिएगा, तो जो भी आपका मनोरथ होगा वो देखते ही देखते पूरा कर देंगे वो। आज भगवान कृष्ण के सामने कुछ फल रखिए, कुछ मिष्ठान रखिए और आज से ही उनकी भक्ति भाव में रम जाइए। और अगर आपको ये मंत्र करना हो तो ये कीजिए, वरना अगर आप सिंपल पूजा करेंगे तो भी आपको इसका बहुत बड़ा फल मिलेगा। आज से ही अपने आप को पवित्र करके लग जाइए, मंदिर में धूप दीपक नवेद सब जलाइए और इस मंत्र का जप करना शुरू कर दीजिए, और आप पाएंगे कि 2 ही दिन में आपको इसका असर दिख जाएगा। जो भी अमुक व्यक्ति होगा वो आपके प्यार में बावरा हो जाएगा। इस मंत्र को कृष्ण मोहन मंत्र भी कहा गया है। मोह के या मोहन दोनों एक ही बात है, और ये मुझे कहीं से मिला है। तो आप मुझे इसके असर बताइएगा कितना जल्दी इसने आपके लिए काम किया। तो ये जो है ये मैं अपने संग्रह में संभाल के रख लूँगा। तो मुझे कॉल करने के लिए आपके पास नंबर तो होगा ही 9992841625, और किसी भी तरह की सहायता के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।